हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल कैसे जो है वो रिसेप्शन करते हैं। देखिए, एक मैंने आपको बात बताई थी कि बाहर से स्टिमुलस आता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें जायकी गेटेस की बात कर लें, जिसको अभी थोड़ी देर में फिर से पढ़ेंगे। तो अब आपने कुछ चीज खाई तो वो आपके दिमाग के साथ टच हुई। टच होने से लेकर नर्व इंपल्स की जनरेट के दरम्यान में जो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एक चीज दूसरे को एनेबल करती है, दूसरी तीसरी को एनेबल करती है, वो जाके आपके सोडियम कैटी चैनल जो है ओपन कर देती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मिस्ट्री है अभी तक आप लोगों के लिए, वो है दीज कैस्केड ऑफ रिएक्शंस व्हिच हैपन ड्यूरिंग द, या आप कह सकते हैं कि बिफोर द नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स जनरेट होने से पहले एंड आफ्टर द सेंसेशन, यानी कि वो जो स्टिमुलस आया है उसके दौरान जो रिएक्शन होते हैं वो आपके लिए मिस्ट्री है। तो जिसमें ना आपको एक वो बता दिया था कि जी प्रोटीन कपलिंग जो रिएक्शन होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और बाकी नर्व इम्पल्स की जनरेशन वगैरह किस तरह से होती है। तो ये है कि रिसेप्टर सेल, वो कहानी फिर से रिपीट होती है जी, के बाहर से स्टिमुलस आएगा, रिसेप्टर्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट जो सेंसेशन आ रही है उसको फील करें, ठीक है। अब देखिए, सवाल ये है कि रिसेप्टर की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में क्यों हुई, ठीक है। आप हर बार चीज के बारे में सवाल कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों है। आपके एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट करना है, लेकिन उसको आपने किस हिसाब से देखना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपने इसको हमेशा एवोल्यूशन की निगाह से देखना है, क्योंकि एवोल्यूशन आपको पता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस आपके जीन के ऊपर अफेक्ट करती हैं। यू हैव टू सर्वाइव विद द एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, यू हैव टू अडेप्ट। तो उस अडेप्टेशन आप कैसे करेंगे, मतलब आप कैसे करेंगे जब आपकी कोई सेंसेशन ही नहीं होगी। ठीक है, एक पत्थर कभी भी जो है अडेप्टेशन नहीं करता, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उसके जो है वो साइज वो खुद को बड़ा करना शुरू करते हैं या खुद ही मूवमेंट करके उधर जाना शुरू करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं करता क्योंकि उसमें कोई सेंसेशन नहीं होती, वो तो लिविंग भी नहीं है, ठीक है। तो रिसेप्टर का मकसद यही है कि आप में अडेप्टेशन प्रोड्यूस की जाए, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन प्रोड्यूस की जाए। अडेप्टेशन क्यों प्रोड्यूस की जाए, ताकि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व कर सकें, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व कर सके। और आपकी सेंसेशन थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए, ताकि लिटिल बिट चेंज आ रही है अगर सेंसेशन के अंदर, तो आपकी बॉडी में उसकी चेंजेस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी रफ्तार रफ्तार उसके साथ चेंज होना शुरू हो जाए। और यही वजह है कि आप मिलियन या बियर्स के बाद एक स्पीशी को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। उसके जो मेन आप कह सकते हैं कि प्राइमरी रीजन या प्राइमरी साइट जो है वो रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर की वजह से ही डिटेक्शन होती है एनवायरमेंट से। और आपको पता है एवोल्यूशन में कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर एनवायरमेंटल एनवायरमेंट जो है वो किसी का जो है वो नहीं है, मतलब कि किसी स्पीशी के लिए रुका हुआ नहीं है, वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये इंसानों के चल आप जो है वो, चूंकि इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो, ये टेम्परेचर जो कोई भी कंडीशन है तूफान वगैरह वो नहीं आएगा, ऐसा ऐसे नहीं है। वो सबके लिए उसके सामने सारे स्पीशीज वगैरह जो है वो एक ही है। तो अब जिसने सर्वाइव करना होगा वो सर्वाइव करेगा, और जिसने नहीं करना हुआ वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए सेंसेशन या रिसेप्टर सेल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, एक लॉजिकली आंसर के तौर पर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेंसेशन की बात करें तो काफी ज्यादा रिसेप्टर सेल मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन हम जो है जस्ट चार को पढ़ेंगे, ठीक है, टेस्ट, स्मेल, टच और पेन। और इनमें से इन दो को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इन दो को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो है इतने वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आसान से, कोई इतना वो उसमें नहीं है। ये जो है इसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। सबसे पहले बढ़ते हैं टेस्ट की बात करते हैं, गेस्टेशन बी जिसे कहते हैं, ठीक है, गेस्टेशन बी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरी एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब मुझे उस चीज का नाम भूल गया, एक मिनट, उसे क्या कहते हैं, वो एक लोहे की एक वो सलाख सी होती है, उसके ऊपर जो है
सलाख होती है, उसके ऊपर जो है वो हल्के हल्के दाने से बने होते हैं किसी चीज को रगड़ने के लिए, जैसा रेगमाल होता है, ठीक है, रेगमाल आपने देखा हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने से बने होते हैं, और उसका फंक्शन क्या है, चीजों को रगड़ के साफ करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, रगड़ से क्या मतलब होता है, जब रगड़ती है तो उसके ऊपर वाले जो खुरदरी पॉइंट होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ठीक है, यानी कि तोड़ फोड़, छोटे लेवल के ऊपर तोड़ फोड़ जो है वो काम करना होता है, ठीक है। अगर आप उसको देखें, वो पता नहीं आप उसे क्या कहते हैं, मेरे में नहीं आ रहा, उसकी सरफेस इस तरह से होती है, ठीक है, यानी कि इस तरह की सरफेस होगी, ठीक है, इस तरह की सरफेस है, और इस सरफेस को जब आप रगड़ेंगे किसी चीज के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ये आरी को देख रहे हैं, जिस तरह आरी काम करती है काटने वाला, उसके देखे वो दंदाने बने होते हैं, तो बेसिकली वही है, वो स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं और अगली चीज को काट देते हैं। तो यहाँ आपके जुबान के अंदर भी थोड़ा सा वो मैकेनिज्म कॉपीड है, यानी कि उसी का मैकेनिज्म जो है मौजूद है, ठीक है। अब आपकी देखें, आपकी टंग जो है उसमें रिजेस एंड वैलीज जो है मौजूद है, यानी कि उसे कहते हैं ना नशेबो फराज मौजूद है, यानी कि आप माइनर लेवल के ऊपर देखें ना तो आपको हल्के हल्के जो है वो पॉइंट्स नजर आते हैं, अक्सर आप रमजान के अंदर देखेंगे आपको जुबान कटी कटी हुई नजर आती है, वो दरअसल क्या है कि एक तो क्या है कि वहां पे स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं पिपली मौजूद है, और वो जो है जुबान को ये जो उसे कहते हैं ना लुक दे रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं पिपली होते हैं, ये समझ लें कि उनकी वो आपस में मिलकर इस तरह की जो है वो चीज बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं पहले, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं, और जिनको आप पिपली भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपकी जुबान के ऊपर मौजूद है, सारे के सारे जो है वो आपके जुबान के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, तो शेर के हिसाब से इनके डिफरेंट नाम है, ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रोटीन का जो है वो डिफरेंट है, शेर का डिफरेंट है, और दूसरा आप कुछ प्रोटीन्स हैं उनका, जिस तरह फिली फॉर्म और फंजी फॉर्म में क्रिटिनाइजेशन का फर्क है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन एक मौजूद होती है दूसरे मौजूद नहीं होती, ठीक है, बस यही फर्क है बाकी और इतना। हाँ, अब यहाँ पे देखें कि ये जो फिली फॉर्म पे पिली है, ठीक है, ये क्या है, फिली फॉर्म पे पिली है, ये क्या करता है कि इसकी शेप जो है वो कौन शेप होती है, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसकी शेप होगी, और आपकी पूरी की पूरी जुबान के ऊपर, आपकी जुबान की पूरी जुबान के ऊपर मौजूद होते हैं फिली फॉर्म पे पिली, ठीक है, और इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स जो है वो मौजूद नहीं होते, ठीक है, और इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रफनेस है, रफनेस का मकसद मैंने आपको ऊपर रेगमाल वाली एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, देखिये आपकी जुबान के दो फंक्शन है, एक तो ये है कि ये आपको जो है वो लफ्ज बना कर देती है, ठीक है, यानी कि एक आपके जुबान और साथ में ये जो आपके होंठ है ये आपको लफ्ज बना के देते हैं, यानी कि है यानी कि आपकी बातें करने में आपकी मदद करती है, दूसरा ये है कि आपको खाना खाने में जो है ये मदद देती है, अब खाना खाने में देखे ना, अच्छा तीसरा, एक तो खाना खाने में, दूसरा तीसरा काम कर ली ये कि आपको सेंसेशन भी देती है, टेस्ट जायके वगैरह भी जुबान की वजह से ही आते हैं, तो दूसरा काम है बताया कि खाने में मदद देती है, और वो किस तरह से है कि देखें, अगर आपने वो मशीन देखी जो लंडर डालती है तो उसमें देखें वो गोल सी घूमरी होती है उसके अंदर ब्लेड से बने होते हैं, उसको शफल कर रहे होते हैं मिट्टी रखो, तो आपकी जुबान भी देखें वो जब आप मुंह के अंदर नवारा डालते हैं तो वो कभी इधर जा रही होती है कभी उधर जा रही होती है, अगर आपकी जुबान लंबी नहीं है तो, हाँ, तो वो इस तरह रिवॉल्व कर रही होती है, और साथ में क्या है के जो ही उसको जो है शफलिंग कर रही होती है, बीच ऊपर से आपके दांत उसको पीसे होते हैं, फिर ये उसको अलर्ट कर देती है, फिर उसको पीसे होते हैं, और साथ में ये जो रफनेस है ये उसको छोटे लेवल के ऊपर ग्राइंड कर रही होती है, ठीक है, उसको छोटे लेवल के ऊपर ग्राइंड कर रही होती है, मिसाल के तौर पर आपकी जुबान जो इसको उठा के ऊपर ऊपर वाला जो एरिया इसके साथ तक आती है, फिर साइडों की तरफ लेके जाती है, वो सारा का सारा फंक्शन जो है वो, यानी कि खाने में बड़ी शफलिंग जो है वो आपकी जुबान करती है, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको खाने के लिए यूज करेंगे, अच्छे अल्फाज के लिए यूज करेंगे, जायकों के लिए यूज करेंगे, ना कि कैंची की दाग चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फंजी फॉर्म पे पिली, ठीक है, फंजी फॉर्म पे पिली, अब बाकी जो आएंगे ना फंजी फॉर्म फोलिएट सर्कम्वेलेट पे पिली, इनके अंदर आपको टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फंजी फॉर्म पे पिली की शेप जो है मशरूम टाइप होती है, मशरूम टाइप, मशरूम इस तरह से आपको नजर आएगा, इनकी शेप आपको इस तरह से मिलेगी,
और कहाँ पे मौजूद है टिप एंड द साइट ऑफ टंग, जो ये जो टिप रीजन है और साइड का रीजन है आपकी जुबान का, यहाँ पे मौजूद होंगे फंजी फॉर्म पिपिले। ठीक है, फोलियल पिपिले की बात करते हैं तो ये सीरीज ऑफ फोल्ड है अलॉन्ग द साइड ऑफ, यानी कि आपकी जुबान की जो साइड का रीजन है यहाँ पे फोल्डिंग की एक सीरीज है पूरी पूरी। ठीक है, और आखिर में है सरकम वेलेट पिपिले, और सरकम वेलेट जो है वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये एक ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, यानी कि तकरीबन साथ की शेप थोड़ी थोड़ी मैच करेगी, यानी कि देखिए ये भी बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये है कि आपको ऐसा देखिए फ्लैट माउंट है जिस तरह पूरा मैदान होता है इस तरह से, और उसके बाद आपको यानी कि सराउंडेड बाय ट्रेंच, ट्रेंच कहते हैं फंदक को, तो आपको ये इस तरह से मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये कहाँ पे मौजूद है, बैक साइड के ऊपर टैंक के मौजूद होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबके अंदर टेस्ट बाज नहीं होते, सबके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और किस तरह से मौजूद होते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेबर, अच्छा एक मैं उसके अंदर ये है उसको कहते हैं लेबल्ड, अगर लेबल्ड के स्पेलिंग गलत नहीं है तो लेबल्ड लाइंस डायग्राम। ठीक है, लेबल्स लाइन आप से कहते हैं, हाँ मॉडल कह सकते हैं इसके काम को बताने का तरीका। ठीक है, बारह लेबल लाइंस शुरू में आता है। अच्छा तो मैं आपके सामने जो है पहले एक चीज बनाता हूँ, टेस्ट बर्ड्स बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें ये वो पिपिली आ गया फर्श के इस तरह से। ठीक है, ये पिपिली आ गया, इसके अंदर मैं टेस्ट बर्ड बनाता हूँ किस तरह से, कि ये कलर आ गया और यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे से वो मौजूद होते हैं। अब इसको जो है वो हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसी एग को। ठीक है, इस एग को उठाते हैं यहाँ पे और इसको क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो बड़ा करके देखते हैं तो हमारे पास ये जो है इसको फर्ज करना, ये इस तरह पड़ा हुआ ना, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। तो ये इस तरह से है, इस तरह से और ये इस तरह से। अब इसके अंदर पांच किस्म के जो है वो डिफरेंट न्यूरॉन्स पड़े होंगे। ठीक है, पांच डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स पड़े होंगे, यानी कि एक जो है वो ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका एग्जॉन जा रहा है इस तरह से, फिर इसके बाद जो है वो येलो कलर का बना देते हैं अगर आपको नजर आए तो। ठीक है, अब ये देखें एक की टेस्ट बर्ड को हमने ड्रा किया और उसके अंदर क्या है, हमने डिफरेंट जो है वो कलर जमा कर दी पांच किस्म के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक दूसरी चीज बताता हूँ, एक ये सिक्योरिटी हेड रूम है। ठीक है, सिक्योरिटी हेड रूम है और इसके अंदर क्या है, पांच जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, पांच जो है हमारे सामने यहाँ पे पांच बॉक्सेस बना रहा था सिक्योरिटी रूम के अंदर, इंटरनेट का मसला हो जाता है जी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे पांच बॉक्सेस आ गए। ठीक है, लाइट्स कंसिडर कर रहे हैं, मेरे पास एक रूम है उसमें पांच लाइट हैं, एक है जी ए, ठीक है, दूसरी है बी, तीसरी है सी, डी और ई। ठीक है, पांच लाइट आ गए इस तरह से। अब गेट के ऊपर जो है, गेट के ऊपर क्या है कि एक आपके पास बटन लगे हुए हैं, बटन। ठीक है, बटन लगे हुए हैं और वो बटन किस तरह से हैं, ये आ गए एक दो तीन और चार पांच। ठीक है, अच्छा अब इनकी जो है वो हम लाइनें बना लेते हैं कि इनका कनेक्शन इन लाइट्स के साथ होगा इस तरह से। ये देखें ये लाइट गई और ये बटन इसके साथ अटैच है। अच्छा ये वाला जो है वो बी के साथ अटैच है, इसी तरह ये वाला जो है वो सी के साथ अटैच है, ये वाला जो है वो डी के साथ अटैच है, और इसी तरह ये जो है वो ई के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लेबल नहीं किया। ठीक है, अब ये है कि कोई भी बंदा जो है आएगा बाहर गेट के ऊपर, अगर वो इसको प्रेस करता है, इस बटन को प्रेस करता है, इस बटन को, ठीक है, तो वहां से कौन सी लाइट जलेगी, मिडल में कौन सा, सी वाली, सी वाली जो लाइट है वो वहां पे सिक्योरिटी हेड पे जलना शुरू कर देगी। अब चाहे वो कोई भी बंदा आके प्रेस करेगा लाइट, अगर इसी बटन को प्रेस करता है तो आपके पास कौन सी लाइट जलेगी, सी वाली जलेगी। ठीक है, अच्छा अब वही बंदा जो है अगर इस बटन को प्रेस करता है तो कौन सी लाइट जलेगी, ए वाली जलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर वही बंदा इसी को प्रेस करता है तो कौन सी लाइट जलेगी, ई वाली जो है वो लाइट जलेगी।
इसका मतलब ये है अगर हम इनको पूरा का पूरा यानी कि इस ई को पूरा का पूरा हम एक यहां तक न्यूरॉन कंसिडर करें, एक सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पूरा का पूरा न्यूरॉन एक किस्म की सेंसेशन लेकर जाएगा, ठीक है, एक किस्म की सेंसेशन जो है वो लेकर जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ नाम लिखता हूँ, एक है जी बिटर, ठीक है, बिटर, सोर, साल्टी, अच्छा सोर साल्टी स्वीट, अच्छा और कौन सा होता है जी युमामी, चार और पांच ये आखिरी आ गया युमामी, एक एम आता है युमामी, ये तीन जायके हैं आपकी इस किस्म के, तीन रिसेप्टर जो है सॉरी पांच रिसेप्टर जो है आपके टेस्ट बर्ड के अंदर मौजूद होगी, या मैंने आपके डिफरेंट कलर के जो है वो शो किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी मैं जो है इनकी जो कनेक्शन देता हूँ फर्स्ट करने, ये जो रेड कलर वाला है ये बिटर जायके के लिए है, ठीक है, इसके बाद जो है येलो कलर, तो ये जो है वो ये कौन सा सोर जायके के लिए, ठीक है सोर, अच्छा इसके बाद जो है वो ग्रीन कलर आ गया, तो वो ग्रीन जो है वो साल्टी के लिए है, और इसके बाद नेक्स्ट जो था ये कलर, ये जो है स्वीट कलर के लिए है, और ये जो लास्ट में था युमामी कलर आ गया, सॉरी युमामी जायका आ गया। तो ये जो है अब हर एक 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 ही जायके के लिए स्पेसिफिक होते हैं, एक बर्ड के अंदर सारे के सारे वो मौजूद होंगे, ठीक है, एक बर्ड के अंदर सारे के सारे जायके मौजूद होंगे, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये आपकी जुबान है तो मीठे वाला रीजन ये वाला है, खट्टे वाला रीजन ये वाला है, कड़वे वाला ये रीजन है, नमकीन वाला ये रीजन है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपकी पूरी की बॉडी के अंदर जो है सॉरी आपकी पूरी जुबान के ऊपर जो है वो जायके वाली जो है वो मौजूद होते हैं। हाँ आपका जुबान का जो इंटीरियर पोर्शन है वहां पे ज्यादा होंगे, ठीक है, ये इंटीरियर पोर्शन जो है ना यहाँ पे ये चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि जुबान का एक रीजन जो है वो है खट्टे के लिए है, एक रीजन मीठे के लिए है, एक रीजन उसके लिए है, तो दैट इज नॉट द केस, ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा तो वह जो न्यूरॉन जो है फर्ज करें अब ये तो हो गया आपके पास, मैंने आपको बता दिया किस तरह से वो एग्जॉन जा रहे हैं और सीधा वो आपके दिमाग के अंदर जो गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स होता है जहां पे इसकी सेंसेशन होनी है वहां पे क्या करेंगे कि सेंसेशन देगी जी आपके पास ये जो आपके पास मालिक्यूल आया है इसका जायका किस तरह से है, ठीक है, इसका जायका किस तरह से है। अब मैं आपके सामने एक और चीज ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको खत्म कर दूं। इस मॉडल को कहते हैं ये जो सेंसेशन जा रही ना यहाँ से सेंसेशन हो रही है पांच मौजूद है और हर एक अलहदा एक सेंसेशन लेके जा रहा है, इसको कहते हैं लेबन लाइन मॉडल, ठीक है, लेबन लाइन मॉडल कहते हैं। अच्छा और मैं इस स्लाइड को जो है वो क्लियर कर लूं, ये आ गया। अच्छा अब जो है मैं एक और चीज बनाता हूँ आपके सामने इस तरह से, एक फर्ज कर लें कि ये एक जनरल सेंसरी न्यूरॉन है जो कि है जी टेस्ट रिसेप्टर का, ठीक है, कोई भी है, फर्ज करें कि ये मैं बना रहा हूँ ग्लूकोज के लिए, ठीक है, किसके लिए बना रहा हूँ, ग्लूकोज के लिए बना रहा हूँ, और यहाँ पे इसके मौजूद है हेयर लाइन स्ट्रक्चर जिसे आप सिलिया कहते हैं, ठीक है, सिलिया मौजूद है और ये न्यूक्लियस वगैरह जो भी आप समझना चाहते हैं आ गया, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात ये जिस तरह मैंने कहा था कि कोई बंदा उस बटन को दबाएगा सिर्फ ई वाली डिटेक्शन होगी, यहाँ पे क्या है फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है किसके लिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि ये न्यूरॉन जो है वो किसके लिए बना हुआ है, मीठे मीठा जो जायका है उसके लिए, ग्लूकोज जो है वो इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, और नर्व पल्स वगैरह जो रेड होगी वो सारी सेंसेशन जाएगी दिमाग को और वो कहेगा कि ये जो जायका है मीठा है, पाल करने का मकसद ये। अब फर्ज करें किसी भी म्यूटेशन की वजह से किसी भी मतलब किसी भी कोई भी वजह हो सकती है, फर्ज करें वो वजह हो गई है तो NaCl लेकर आते हैं आप, ठीक है, NaCl लेकर आते हैं, अब वो किसी तरीके इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है, और ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए तो होगा क्या, अब ये जो है वो साल्टी है, ठीक है, साल्टी है, लेकिन अब चूंकि उसने स्वीट वाले जो न्यूरॉन था उसके साथ अटैचमेंट की है तो सेंसेशन कौन सी प्रोड्यूस होगी,
जबकि ये मालिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज का है। ठीक है, तो ये है कि हार न्यूरॉन स्पेसिफिक है टेस्ट के लिए, ठीक है, मीठे के लिए अलहदा है, सॉल्टी ये जो है इनके लिए अलहदा है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात करते हैं बिटर, ठीक है, एक तो ये आ गया बिटर आ गया, दूसरा है जी यूमामी, अच्छा फिर है स्वीट, उसके बाद है सौर और है साल्टी। अच्छा, इनमें से ये जो पहले तीन हैं, ठीक है, जो पहले तीन हैं ये वाले, ये पहले तीन जो हैं इन ये सेंसेशन किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, जी प्रोटीन कपलिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जी प्रोटीन कपलिंग मैकेनिज्म। तो मैं ये बात कर रहा था बिटर, यूमामी और स्वीट जो है वो क्या है कि क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जी प्रोटीन कपलिंग मैकेनिज्म के जरिए एक्टिवेशन एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन कपलिंग मैकेनिज्म जो है वो मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह से एक चीज आती है, तो वो यानी कि एक प्रोटीन है फर्स्ट में, जी प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, यहाँ से सेंसेशन जो आएगी ग्लूकोज ने अटैचमेंट की तो ग्लूकोज के अटैचमेंट से क्या होगा, ये जी प्रोटीन जो है वो उतर जाएगी और वो क्या करेगी आगे जाके थोड़े से और रिएक्शन होंगे और सोडियम की चैनल जो है ओपन कर देगी, जबकि सोर एंड साल्टी जो है, ठीक है, सोर एंड साल्टी इसमें क्या होता है कि ये जब अटैच होते हैं तो ये सीधा जाके सोडियम के चैनल के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम के चैनल के साथ अटैच होते हैं लेकिन साइड के ऊपर, ठीक है, साइड के ऊपर अटैच होंगे, जब ये इसके साथ अटैच हो गए तो ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है वो अंदर की तरफ रश करना शुरू कर देगा, और जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो आपको पता है क्या होना है कि नारंग पास जनरेट हो जाएगी। तो ये आपकी पता चल गया कि बिटर, जुमामी और स्वीट ये जी प्रोटीन कपलिंग मैकेनिज्म के जरिए एक्टिवेट होते हैं, जबकि सोर एंड साल्टी जो है वो डायरेक्ट वो ये जो मॉलिक्यूल है वो चैनल के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और पोटेशियम ग्रेडियंट कायम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास टेस्ट गेस्टेशन। ठीक है, अच्छा आगे है जी स्मेल या ऑल्फेक्शन। ठीक है, स्मेल ऑल्फेक्शन यानी कि आपकी सूंघने की जो पावर है वो, अच्छा स्मेल जो है, अब बात करते हैं स्मेल की, तो स्मेल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म का तो दारोमदार ही सेंसेशन स्मेल की सेंसेशन के ऊपर होता है। ठीक है, स्मेल की सेंसेशन के ऊपर उनका दारोमदार होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जाम्पल लें स्नैक की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह जुबान बाहर निकाल के केमिकल्स के अंदर जाके उसकी स्मेल और कीमो डिटेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, जो से जैकबसन और फिल्ट्री आर्गन उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये है कि कुछ के लिए जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है और वहां पे क्या करते हैं कि उनको जो है वो बताते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म तो अपनी स्पीशीज जो है वो स्मेल के जरिए जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हम बात करते हैं जी कि इंसानों के अंदर क्योंकि सेंसेशन जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेंसेशन को, स्मेल की सेंसेशन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज पढ़ना आपको बताना चाहूंगा। देखें, ये आप हैं, फर्ज करें ये आ गए और ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये ले, ये कान आ गया। अच्छा, तो ये है कि कभी कभार आपको जुकाम होता है, ठीक है, तो आपकी नाक जो है वो नेजल कैविटी अमूमन भर जाती है, और होता ही है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको मजा नहीं देता, वो आपको उसका जायका नहीं आता। ठीक है, जायका जब वैसे नहीं आता, आपको चीज मजा नहीं देती, उसकी वजह क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जब आप खा रहे होते हैं तो वो जो केमिकल्स हैं वो आपके नेजल कैविटी में आ रहे होते हैं और उनकी सेंसेशन हो रही होती है। ठीक है, यानी कि आपका जायका, स्मेल और टेस्ट दोनों मिलकर बना रहे होते हैं। ठीक है, आपको टेस्ट आ रहा है, उसकी स्मेल नहीं आ रही, तो आपको आपका जायका आधा है। ठीक है, तो ये यानी कि जो आप जब आपको जुकाम हो जाता है तो नेजल कैविटी तो फिल हो जाती है उसके एपिथेलियम जो है फ्लूइड के साथ, तो वो जो रिसेप्टर है वो सही तरीके से डिटेक्शन नहीं कर सकते, तो बदले में क्या है कि आपके जायके जो है वो मर जाते हैं किस्म के। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका जो है वो मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, मैं इसी को, अच्छा यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से होता है जी आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ठीक है,
और यहाँ आपकी नजर कैविटी आ गई और यहाँ पे मौजूद है जी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऐसे क्या कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, मैं साथ में लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास माउथ है तो राइटिंग वैसे ही खराब होती है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है और इसके ऊपर आपको मिलती है जी इसे कहते हैं क्रिपिफॉर्म प्लेट, ठीक है क्रिपिफॉर्म प्लेट कहते हैं CRIBIFORM क्रिपिफॉर्म प्लेट कहते हैं। ये आपके दिमाग का जो पोर्शन है उसको सेपरेट करती है नेजल कैविटी से, ठीक है बोन लाइक मटीरियल है और ये क्या करेगी सेपरेशन करती है बीच में। अच्छा क्रिपिफॉर्म प्लेट के ऊपर आपको जो है वो मेनली ऊपर क्या देखने को मिलेगा दिमाग, ठीक है यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा आपका दिमाग जो है ऊपर यहाँ इस रीजन के ऊपर मौजूद होगा, ठीक है। और क्रिपिफॉर्म प्लेट के और क्रिपिफॉर्म प्लेट के और आपके दिमाग के इधर इस रीजन में मौजूद होती है जी ये बल्ब लाइक मटीरियल, ठीक है आपकी एक क्रेनियल नर्व जो है वो इधर आई होती है, ठीक है क्रेनियल नर्व जो है वो इधर आई होती है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है जी एक्सॉन्स मौजूद होते हैं जो कि आपको पता है ना कि क्या है क्या नाम है उसका नर्व्स के अंदर डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं तो कि एक क्रेनियल नर्व यहाँ पे आई होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि ये जो क्रिपिफॉर्म प्लेट है इसमें यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होते हैं जी सुराख होते हैं, ठीक है ठीक है आप जो है यहाँ यहाँ पे क्या है सुराख होते हैं यहाँ पे इस जगह से, ठीक है मतलब ये है कि पोरस होती है और यहाँ से एक्सॉन की सॉरी डेंड्राइट सेंसरी न्यूरॉन है उसकी जो है वो इधर मजीद एक्सटेंशन इधर आई होती है और आगे जाके डिवाइड से डिवाइड तर हो रही होती है, ठीक है ये मैं चार ड्रैग अपनी सर काफी सारे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है बहुत ज्यादा जो है सर ब्रांचेस आगे जाके मजीद ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा अब जो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जी बेंजीन की, ठीक है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड आ गया सर से एरोमेटिक ही होता है हाँ तो वो आ गया। अब वो जब आपकी नाक के अंदर जाएगा फर्स के लिए वो ग्रीन वाले जो है उसके साथ इसके साथ बाइंड करके रिसेप्टर साइड के ऊपर, ठीक है और ये सेंसेशन लेके जाएगा इधर यहाँ से एक दूसरा एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन जो है वो मौजूद होता है और उसकी जो सेंसेशन यहाँ से आपके दिमाग को जारी होती है और बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे आपके टेस्ट बर्ड जो थे वो काम कर रहे थे। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके इस तरह बता देता हूँ कि अगर हम जो है वो रीजन को देखें कि इस रीजन को बड़ा ड्रा करके देखें, ठीक है तो ये देखें ये आपको क्रिपिफॉर्म जो है क्रिपिफॉर्म प्लेट जो है वो पोरस लाइक नजर आ रही है इस तरह से, ठीक है नजर आ रही है और इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है जी क्या नजर आ रहा है यहाँ पर न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद है, ठीक है यहाँ पे क्या मौजूद है न्यूरॉन्स मौजूद है ये उसकी जो है वो आपकी आ गई ना एपिथेलियम और फैक्ट्री एपिथेलियम आ गई, ठीक है अब यहाँ पे आपको पता चलेगा बाइपोलर किस तरह से है, ठीक है अच्छा ये आ गया इस तरह से एपिथेलियम आ गई और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अभी बाइपोलर न्यूरॉन तो वो किस तरह से है कि ये आ गया न्यूरॉन आ गया आपकी सेल बॉडी उसका जो डेंड्राइट है वो इधर आ रहा है सॉरी एग्जॉन इधर आ रहा है और यहाँ पे उसके क्या है डेंड्राइट्स मौजूद हैं, ठीक है यानी कि सॉरी ये तो मैंने तीन ड्रा कर दी एक जो है डेंड्राइट और आगे जाके उसकी मजीद डिवीजन हो रही होती है इस तरह से, ठीक है इसको एक समझ लें दो नहीं समझ लें इसको जो है वो तो यहाँ मैं बात करता हूँ एक दूसरा न्यूरॉन है फर्स करें वो भी इसी कलर का है, ठीक है और वो भी इसी लेकिन उसका जो एग्जॉन है वो इधर आके खत्म हो रहा होगा, ठीक है और ये इस तरह से फिर इसके आगे मजीद जो है वो ब्रांचेस आ गए, ठीक है इस तरह की मजीद जो है वो ब्रांचेस आ गई ये इस तरह से। अच्छा और फर्ज करें ये कहीं और जगह यहाँ पे भी मौजूद है और इसका भी एग्जॉन जो है वो निकल के इधर आ रहा होगा, ठीक है इसको इधर आ रहा होगा इसकी जो है ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेंगी इस तरह। ये मैं सिर्फ जो है वो कौन सा न्यूरॉन ड्रा करूँ जो कि डिटेक्शन कर रहा है किसकी बेंजीन की, ठीक है डिटेक्शन कर रहा है बेंजीन की। अच्छा तो यहाँ पे देखें कि क्या हुआ है कि अब जो बेंजीन करेगी बाइंड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे सारे के सारे सेंसेशन ये इसके साथ भी बाइंड करेगी इसके साथ भी बाइंड करेगी और ये इसके साथ भी बाइंड करेगी और इसके साथ भी बाइंड करेगी, ठीक है जब इसके सबके साथ बाइंड करेगी तो इसकी सबकी सेंसेशन इधर जाएगी और यहाँ से फिर से आपको एक दूसरा न्यूरॉन मिलेगा और वो जो है यहाँ से सेंसेशन लेके जाएगा वो आगे की तरफ, ठीक है
तीसरा हो गया। अच्छा तो ये जो जगह है जहां पे एक स्पेसिफिक किसके लिए, स्पेसिफिक सस्पेंशन के लिए, बेंजीन के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक जगह जो बनी थी, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब आप किडनी वाला आपको याद हो गया कि इसको भी क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, आसानी के लिए आप कह सकते हैं और फैक्ट्री ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है जहाँ पे डिजिग्नेशन है हार्यूरान की, एक स्पेसिफिक यानी कि फर्ज करें जो आपको अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब अच्छी तो कोई भी हो सकती है, एक ये कंपाउंड है, एक ये वाला कंपाउंड है और एक ये वाला कंपाउंड है, तो इन सब के लिए जो है ग्लोमेरुलस अलहदा अलहदा से होगा। ठीक है, सबके लिए ग्लोमेरुलस जो है वो अलहदा अलहदा से होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंसेशन जो है वो स्मेल की सेंसेशन आपकी बॉडी में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स की बात कर लें सेंसेशन के लिए, ठीक है बस, ठीक है मैं आपने 2 मिनट लूंगा। तो क्या है कि 1000 कितने 1000 डिफरेंट टाइप की जो है सेंसेशन की जाती है, और ये कभी 2 से 4 डिफरेंट हो जाए तो वो जो स्मेल है वो एक नया जो है डिटेक्शन भी दे सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, स्मेल ऑफ ऑल्फैक्शन यानी कि टेस्ट और स्मेल जो है। काफी ज्यादा टाइम लग गया लेकिन उम्मीद है आपको एक वो मोहल्ले वकूफ मिल गया होगा कि सेंसेशन किस तरह से होती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं।